केजरीवाल 16 मार्च को अदालत में पेश हों। ईडी के समन के अनदेखी पर कोर्ट का आदेश। शराब घोटाले में अब जेल जाएंगे केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने आठ समन की नाफरमानी से निराश प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत का रुख किया। इस मामले में अदालत से सीएम केजरीवाल को झटका मिला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ईडी की ताजा शिकायत पर संक्षेप में दलीलें सुनी और इस मामले में सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। ईडी दिल्ली के अब रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को अपने दफ्तर बुला रही है। इसके लिए वह अब तक उन्हें 8 बार समन दे चुकी है। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अदालत ने भेजा पेशी का समन। ईडी ने सीआरपीसी की धारा 190(1)(a) के तहत ताजा कंप्लेंट दी और मुख्यमंत्री पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 50 के तहत उसके समन के अनुपालन में विफल रहने का आरोप लगाया। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जोहेब हुसैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई से जुड़े। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने संक्षेप में दलीलें सुनी और केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का समन भेजा। ईडी पहले भी दाखिल कर चुका है याचिका। अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50(3) के तहत प्रतिवादी यानी अरविंद केजरीवाल भेजे गए समन के अनुपालन में व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य थे, हालांकि ऐसा करने में वह विफल रहे। इसे आईपीसी की धारा 174 यानी सरकारी कर्मचारी के आदेश की अवज्ञा करते हुए गैर हाजिर रहना के तहत अपराध मानते हुए अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया था और आदेश दिया था कि अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए समन जारी किया जाए।